नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उन्नाव में तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, जिससे पहले विधानसभा सफेपुर में एक मुद्दा फिर से गर्माया है। ये मुद्दा विधानसभा क्षेत्र मियागंज का नाम बदलकर मायागंज करने वाला मुद्दा है, जिसको लेकर प्राइम टीवी के संवाददाता ने सफेपुर में भाजपा विधायक बंबालाल दिवाकर से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये प्रस्ताव भेज दिया गया है और सरकार बनने पर मियागंज का नाम बदल दिया जाएगा। वहीं आगे बीजेपी विधायक ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, प्राइम टीवी में स्वागत है आपका। मैं चैतन्य त्रिपाठी इस समय मौजूद हूँ 163 विधानसभा सफीपुर में। सिटिंग विधायक बंबालाल दिवाकर जी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया, फिर से इस बार टिकट दी है। बात करेंगे बंबालाल दिवाकर जी से और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से चुनाव को वो देख रहे हैं और किस तरीके से पार्टी चुनाव को लड़ रही है। नमस्कार सर, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख रही है और किस प्रकार से इस बार चुनाव लड़ रही है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ने का काम करती है। अन्य पार्टियां चुनाव के वक्त नजर आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सारे जनप्रतिनिधि मिलकर पूरे 5 साल जीतने के बाद से हम लोग एक दिन बैठे नहीं है। इसलिए खाली की जनता की सेवा करने का संकल्प लेके निकले थे, उसमें पूरे 5 साल हम लोगों ने चुनाव की तरह लड़ने का काम किया है। विधायक जी, जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि लोग गड्ढों को लेकर काफी परेशान रहे, जो रोड सफीपुर से परियर रोड है वो इस बार गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सड़क स्वीकृत हो गई है प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, और ये 7.5 मीटर चौड़ी सड़क बनने जा रही है और इसकी स्वीकृति भी हो गई है। टेंडर आचार संहिता से 2 दिन पहले स्वीकृति हुई थी, इसलिए टेंडर नहीं लग पाया। और मैं अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता को इस बात से आश्वासन देना चाहता हूं कि तत्काल बाद चुनाव के जैसे ही आचार संहिता हटेगी इसके टेंडर भी हो जाएगा और इसका तत्काल काम चालू होने वाला है। योगी जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने रैली में सबको संबोधित किया था कि मियागंज का नाम मायागंज रखा जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? इसका भी प्रस्ताव होके शासन को चला गया है। खाली आचार संहिता लगने के कारण वो सूची नहीं प्रकाशित हो पाई। इसके अलावा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो पूर्ण करने का काम करेंगे। एक सवाल और आपसे विधायक जी करना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पे हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार बहुत जोरों से कर रही है, तो आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? इस बार कौन है आपका निकटतम प्रतिद्वंदी? मुझे तो जैसा लगता है कि पिछली बार यहाँ के मंत्री साहब तीसरे नंबर पे थे और इस बार फिर से वो तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की सम्मानित जनता मुझे एक नंबर पर रखना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ के रिजल्ट आएंगे। और 27,200 वोटों से पिछली बार हम लोग जीते थे, इस बार 50,000 से ऊपर की जीत होने वाली है। जिस तरह जनता में करंट है, जनता में लोग चाहते हैं कि मोदी योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश चले, और योगी जी जिनके वो विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है वो कर्म योगी हैं, और इस वजह से जनता में एक अलग तरीके का जुनून है। जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। इस बार अगर आप जीतते हैं भाजपा पद पे, आप पुनः विधायक निर्वाचित होते हो, तो इस बार आप जनता के लिए, विकास के लिए, आम जनमानस के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हम पूरा प्रयास करेंगे कि और सुविधाएं बेहतर हों। स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर CSC में कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है। अन्य महिला अस्पताल की भी मैंने डिमांड रखी है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस बार महिला अस्पताल भी यहाँ हो जाए। और एक डिग्री कॉलेज के लिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया था, लेकिन चूंकि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण कई विकास कार्यों में बाधा आई थी, इसके कारण जो काम नहीं हुए हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली बार चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में मैं इन चीजों को ला पाऊँ। ये हमारे साथ मौजूद थे बंबालाल दिवाकर जी, जो 163 सफीपुर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर इस बार अगर मैं फिर से विधायक बनता हूँ तो महिलाओं के लिए एक अस्पताल खुलवाया जाएगा और विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं चैतन्य त्रिपाठी, प्राइम टीवी, उन्नाव।
विधायक बंबालाल दिवाकर जी से आपने हमारे संवाददाता की बात ही सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ वो विकास करेंगे अगर वो सत्ता में आते हैं तो। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।